हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रिश गलानी आज की डी एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हम इस स्पेस पाइप को कुछ इस तरह रब करेंगे। हम इस नल को पतली सी धार में चालू करेंगे, उसके बाद यही रब पाइप को पानी के थोड़ा पास ले जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज होती है सब मैटर है, और जो मैटर रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है जिसको हम बोलते हैं एटम। जो एटम्स रहते हैं वो चार्ज पार्टिकल से बने रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हर किसी एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वल रहते हैं जो कैंसल हो जाते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल कहलाता है और इसी के कारण मैटर भी न्यूट्रल होते हैं। पर जब हम दो मैटर को रब करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसकी वजह से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं यानी प्रोटॉन्स और एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स। हमारे केस में जब हमने पीवीसी पाइप को वुलन क्लॉथ से रब किए तो पीवीसी पाइप में नेगेटिव चार्ज आ गए और वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आ गए और पानी न्यूट्रल था। और जैसे कि आपको पता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसी कारण पीवीसी पाइप पानी को हल्का सा बेंड किया, क्योंकि पीवीसी पाइप नेगेटिवली चार्ज था और पानी न्यूट्रल था, इसलिए हमारे पीवीसी पाइप ने पानी को अट्रैक्ट किया, उसकी वजह से पानी पाइप की तरफ बेंड हो गया। थैंक यू।